दरख्वास्त का नमूना। बख़िदमत जनाब, बख़िदमत जनाब हेड मास्टर अलविदा जी में स्कूल कराची। अच्छा, इसका लिखने का जो मतन है वो इस अंदाज से नहीं होता है, पहले ये मिडिल में आते हैं, मिडिल ऑफ पेज। यहाँ पे बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब, यहाँ आता है अलिफ बे जीम स्कूल, फिर नीचे आता है कराची। अब अगर इस तरह से लिखवाया है तो पैटर्न को आपने खुद फॉलो करना है, आपके टीचर क्या करवाते हैं। जनाबे आली गुजारिश है कि मुझे कल रात से बुखार है। डॉक्टर ने आराम की हिदायत की है इसलिए आज स्कूल हाजिर ना लड़के लिखेंगे हो सकूंगा और लड़कियां लिखेंगी हाजिर ना हो सकूंगी। इसलिए आज स्कूल हाजिर ना हो सकूंगी मेहरबानी फरमाकर एक यौम की रुख्सत इनायत फरमाइए नवाजिश होगी। जबकि इसको लिखना चाहिए था यहाँ पे नवाजिश होगी। चले खैर। अल आरिस दरख्वास्त गुजार इन दोनों में कोई भी एक लिख सकते हैं आप। उसामा अहमद यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे। मुतअल्लिम यानी जो तालीम हासिल कर रहा है उसकी बात की जा रही है। जमात चाहरुम अलिफ अब यहाँ देखें ना, यहाँ पे कोई कॉलन है और ना कुछ। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखता है हमेशा, यहाँ इसकी लास्ट लाइन पे लिखी जाती है डेट। अब इन्होंने बुक में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई डैश नहीं है। अब ये आप खुद जानते हैं कि आपके टीचर कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं।